हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है हमारा मुंबई का तीसरा दिन, थर्ड डे, और मैं रेडी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए। यस, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। अभी नीचे जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर कैब लूंगा, ऑफिस के लिए निकलूंगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से, बने रहिए वीडियो में। आगे देखते हैं आज क्या कुछ अलग होता है। अलग तो फिलहाल कुछ नहीं होगा, वही मीटिंग्स, वही आज कुछ ज्यादा ही टाइम लगेगा, अलग तो कुछ होना है नहीं, सेम डे सेम चीजें जिस काम के लिए यहाँ आए हैं। ओके, तो ब्लॉग में बने रहिए, आगे देखते हैं। ओके, करते हैं ब्रेकफास्ट। क्या है ब्रेकफास्ट में? होटल टू ऑफिस। आज मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गया, उन लोगों ने मुझे पनिशमेंट दे दी पीछे बिठाने। ये देखो। और हाँ, जो बंदा बच्चों की तरह हमेशा बीच में बैठता है, आज बॉस की तरह देखो, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड, ज्यादा ही एटीट्यूड में है। अब तू सिखाएगा हमें? अब ये सिखाएगा हमें कि वैसे टाइमली जल्दी बाजी है, क्योंकि आपकी जियो फेंसिंग का चक्कर है, नहीं तो हमारा तो सारा मीटिंग है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आज भी छूट जाएगी फिर भी बंदा थोड़ा सा अपना एटीट्यूड कम कर ले, थोड़ा अबे उठ जा कना, अबे कना उठ जा, अबे भाई साहब, तेरा पड़ोसी ना पता है अलार्म बजा, और एक तो रात भर सोता भी नहीं है भाई, ये पता नहीं भाई बिना सोए मैं भी बहुत लेट सोया भाई, ये बंदा बिना सोए दो दिन से देख रहा हूँ मैं, रह कैसे जाता है भाई, दो ढाई बजे पता नहीं कब भाई अपने, इसका तो शावर खराब था, गलती से शावर कर दिया ऑन, और भाई उससे पानी सारा लिमिट का नहीं रहा था जो उस वाले साहिल होटल में था ना, इसमें मैं इतना गर्म आया मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए, ज्यादा घुमा दिया होगा ना लेफ्ट में, मैं भाई पीठ, अरे भाई हल्का भी घुमाया था मैंने, तेरे को क्या लगा मैंने हल्का नहीं घुमाया, मुझे भी घुमाया भाई, और ऊपर से शावर जो कंटिन्यूअसली मैं चुप कर इतना भपका दे रहा है, मतलब भाई बेकार है, इसने पहले ही समझा दिया, तो मैं तो बाल्टी से ही ना लिया, मैंने कहा बोल दे मैंने भाई, क्योंकि मेरी जल्दी मेरे पेट से क्या, एक तो यार उसका बाथरूम इतना सा है कि ना हाथ खुलते हैं, मैं तो सोच रहा था मैंने, मैं तो फिर भी पतला हूं, मैं तो एडजस्ट कर लूंगा ना भाई की, तो एडजस्ट ना होगी उसमें, इतना सा है भाई वो वॉशरूम के लिए इतना सा है बस, वो बढ़िया है वहाँ का बाथरूम, नो डाउट अच्छा था, लोड भाई वहाँ का सिर्फ रूम का जो वो था ना, एसी जो था ना, एसी नहीं रूम, एक तो खुद में भी बहुत छोटा था वो, मैंने ना थोड़ा सफोकेट सा फील कर रहा था उसमें, बहन जो बड़ा छोटा सा रूम था, अगर थोड़ा सा जितना रूम ये है ना प्रॉपर वेंटिलेशन है, हाँ बस, हाँ एब्सोल्युटली बस बस, आउटसोर्स बाहर से थोड़ा सोर्स नहीं था, बाकी अगर बाहर से सही है, आपको बता रहा हूँ, कनक तो कनक छोड़ो, मैं तुम्हें कहने वाला मैं आपको बता रहा हूँ उससे, नहीं नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, कैप कर रहे थे ना, मैं तुम्हें कहने वाला, तो जो फोटो अभी 4:30 बज रही है, और ऑफिस से जल्दी फ्री हो गए, ट्रेनिंग मीटिंग साथ जल्दी खत्म हो गई, अब होटल जा रहे हैं अभी फिलहाल, बाकी फिर चेंज वगैरह करके देखते हैं बाहर कहीं जाने का प्लान है कि क्या, किसी का कुछ घूमने वगैरह का प्लान है, देखते हैं फिर चलते हैं, अगर कहीं बाहर जाएंगे तो ऑफिस में, ये रहे हमारे दोस्त, इतना उदास चेहरा, थक गए हैं सब लोग, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऑल गुड, मजे में, मजा आया, दो दिन से बोर हो रहे थे तुम, रात के बज रहे हैं 12 और हम लोग निकले हैं घूमने, साथ में है मेरा भाई, ये हमारे मित्र, चलते हैं घूमने मुंबई, क्योंकि कल वापस निकलना है दिल्ली, तो जो भी टाइम बचा हुआ है थोड़ा सा उसको यूटिलाइज किया जाए, और आज हम मुंबई की जो लोकल ट्रेन है जो कि वर्ल्ड फेमस है उसका भी एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, मैं लेने वाला हूँ, अनूप भाई मेरा यहीं रहता है तो उसको तो ही इज़ यूज्ड टू अबाउट दैट, जो दोस्त हैं वो भी यहीं रहते हैं तो उनको भी पता है, मैं पहली बार मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ रात के 12 बजे, ये एक अलग सा मेमोरी है, बस यही है भाई जो है मौज है, मजे हैं, वाइब है, वैसे अभी कुछ प्लान नहीं था कहीं जाने का, सडन प्लान बना है, जा रहे हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही जा रहे हैं हम, और नून के यहाँ ही जा रहे हैं, वो आपको आगे पता चल जाएगा अगर पॉसिबल हुआ वीडियो बनाना तो, बट जैसे नून के यहाँ ही जा रहे हैं तो प्लान बन गया, प्लान वैसे ऑलरेडी बना हुआ था, बीच में कैंसिल हो गया, फिर हमने
फिर हम सोचे कि चलो कल, वैसे कि मुझे कल निकलना ही है, मेरा जो कल का शेड्यूल है उसका कुछ फाइनल है नहीं कि मैं कब कल मीटिंग से फ्री, मैं कल मीटिंग से कल फ्री होऊंगा नहीं होऊंगा, इसीलिए सोचा कि अभी फ्री है। और मुंबई भाई, मुंबई पूरी रात जगी हुई रहती है शहर, और जहाँ जा रहे हैं वो भी हम इंतजार में ऑलरेडी बैठे हुए थे। हमने थोड़े कुछ देर के लिए उन्हें डिसअपॉइंट कर दिया था, बट फिर सोचा चलो मिल लेते हैं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। दो दिन से तो ऑलरेडी नींद को हमने होल्ड पे कर रखा है, एक दिन और से, है ना? कितना देर में आओ? अरे हाँ भाई, अभी भी बेसिकली होटल से निकल के कैब लेके नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से ट्रेन लेंगे, लोकल ट्रेन। वैसे तो ऑप्शन था, अभी रात हो गया तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहेगा, कैब से भी जा सकते थे, बट टाइम ऐसा है कि हम लोकल ट्रेन में भी अच्छे से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं मिलेगी, तो वो भी एक एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए ट्रेन से ट्रैवल करना है। नेक्स्ट टाइम पता नहीं अब कब आऊँगा नहीं आऊँगा, कोई ऐसा फिक्स तो नहीं है, आया हूँ तो उसका यूज़ किया जाए। मुंबई लोकल, यह है मुंबई की मेट्रो, वैसे हम दिल्ली में मेट्रो में सफर करते हैं, मुंबई मेट्रो। मुंबई लोकल ट्रेन के बाद ऑटो, और रात के बज रहे हैं 12:53, 1 बजने वाले हैं। भैया का नाम मुझे सुनो, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? तो आज है फ्राइडे 12 तारीख और आज है हमारा मुंबई का लास्ट डे। अभी रेडी वेडी हो गया हूँ, अब जा रहा हूँ ऑफिस। पहले अभी नीचे जाके ब्रेकफास्ट करनी है, फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे, और आज शाम को हमारी फ्लाइट भी है वापस दिल्ली की। तो और ये पीछे 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 ये दिख रहा है आपको, ये दिख, ये जयपुर की फ्लाइट, गुड वन। फोन फोड़ गया अपना, टूटा गया, ओके बज गया। चलो फिर मिलते हैं, आज ज़्यादा है नहीं, लास्ट डे है तो आज थोड़ा सा कम, आज कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं कब तक फ्री हो जाता हूँ। ओके, मिलते हैं। और हाँ सॉरी गाइस, ब्लॉग मैं अभी कल रात को एंड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था जहाँ पे भी मैं गया था। कोई नहीं, मिलते हैं फिर से। हेलो एवरीवन, तो अभी ऑफिस से लंच ब्रेक हुई थी तो थोड़ा सा टाइम मिला था, तो बगल में ये सिद्धि विनायक मंदिर, तो वहाँ आ गया हूँ, गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं सिद्धि विनायक मंदिर में। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, आने के बाद देख रहा हूँ, और ब्रेक भी ज़्यादा देर का है नहीं है, अंदर तो लगता है जा ही नहीं पाएगा, 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा अंदर जाने का। देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ से ही लाइन लगी हुई है। मैं सोचा था 10 मिनट के लिए दर्शन करके आ जाऊँगा, बट ये पॉसिबल नहीं है, इतनी भीड़। गणेश जी को बाहर से ही प्रणाम करना पड़ेगा और अगली बार आने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम टाइम में, इतने कम ब्रेक में नहीं हो पाएगी दर्शन। यहाँ पे LED स्क्रीन पे गणेश जी दिख रहे हैं, यहीं से दर्शन कर लेता हूँ इस बार, स्क्रीन पे ही गणेश जी का इस बार दर्शन कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊँगा जब टाइम रहेगा तब, क्योंकि अभी तो ऑफिस से ब्रेक लेके आया था, पॉसिबल नहीं है अभी अंदर जाना। माफ़ करना भगवान जी, यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ, यहीं से दर्शन कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। मेरी वापस से 2 बजे से चालू हो जाएगी और अभी 1:35 हो गई है। अब
अच्छा भी नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। यहाँ आके अंदर नहीं जा पा रहा, क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा ही फील है और नाम से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो बाहर से ही प्रणाम कर लेता हूँ, दूसरी बार आने लगता है जाते मिलेगा। दर्शन तो नहीं हो पाई, वही स्क्रीन से मैंने प्रणाम कर लिया। देखता हूँ अभी अगर निकल गया, 3-4 बजे तक भी अगर निकल गया ऑफिस से तो ट्राई करूँगा वापस से एक बार जाने की, क्योंकि पास नहीं है, 500 मीटर नहीं है। बाकी फिर एयरपोर्ट के लिए भी जल्दी निकलना है, तो देखता हूँ क्या होता है। बाकी अभी बस पास में ही ऑफिस का पैदल चल, पैदल पैदल ऑफिस जा रहा हूँ। तो फाइनली बाय बाय मोतीलाल ओसवाल मुंबई ऑफिस, और अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। मुंबई को बाय बाय करने की तैयारी, मुंबई को बाय बाय करने की तैयारी, मुंबई को हाई तौबा करने की तैयारी। क्या मुंबई को बाय बाय करने की तैयारी नहीं, हाई तौबा करने की तैयारी है। मुंबई पसंद नहीं आई यार, मज़ा नहीं आया मुंबई में यार। दिल्ली से भी बुरा स्थिति है मुंबई का, दिल्ली तो फार बेटर है यार, इससे फार बेटर है भाई। चलो बाय बाय मुंबई, निकल जाओ ऑफिस एयरपोर्ट के लिए। फ्लाइट तो 3:09 डिले हो गई है, क्या आने वाली है, क्या कुछ कभी आप लगी नहीं, क्या बात ही है, कुछ कभी निकल सकते। अब आप पर्सनली मत लेके जाओ चीजों को, आप पर्सनली क्यों लेके जा रहे हैं? अरे यार भावनाओं में बहना यार, भावनाओं में बहना देंगे, भावनाओं में तू कह रहा है परवीन। Control yourself, brother. पहले knowledge ले, चीजों की उसके बाद बहस। मुझे ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे I have a far better knowledge as compared to you. You don't have any knowledge. ये सब सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की है। तो हमारी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है, सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गई है। समय कब पहुँचेंगे यार, फ्लाइट डिले हो गई, 9:15 पे ही फ्लाइट थी, अभी 9:50 हो गई। यहाँ का मौसम अभी बहुत नॉर्मल है, दिल्ली पहुँचते ही हमें लगेज से निकालनी पड़ेंगी स्वेटर्स जैकेट्स, फिर हम जाएंगे पहन के। ओके, पास जा रहे हैं वहीं पे भी बैठेंगे। और कुछ खाना है क्या? हाँ भाई, चलो फिर कुछ खाते हैं, फिर बैठते हैं आराम से जब तक फ्लाइट का टाइम होता है। मनी एक्सचेंज सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। बर्गर किंग हो गई बंद, अब देखते हैं कुछ और, भूख तो लगी है, खाना है भाई, जो कि मैंने खाते हैं पहले। गेट नंबर ढंग से देखा था, 51 चेंज करता है ना वो, साइड डिले हुई है ना।
पॉइंट है, फ्लाइट डिले हुई है तो एक बार गेट नंबर कंफर्म कर लेते हैं, वो देखना 6E102 था अपना, 6E102 इंडिगो देखना जरा, 6E वो है 6E10 आता 10 बजे जाएगी अभी, ये गेट नंबर 51 द्वार 50 वो ही रहेगा, 51 ही रहेगा। अच्छा चल, ये रही हमारी फ्लाइट 6E102 नाउ एट 10 o'clock, लेट हो गई। तो अभी की न्यू अपडेट ये है कि सब कुछ करने के बाद पता था कि 10 बजे फ्लाइट है हमारी, तो हम आ गए थे कुछ खाने के लिए, ऑर्डर भी हो चुका है, लक्ष्य भैया का, प्रवीण का आ चुका है, मेरा आने वाला है, अभी अभी मैसेज आया है फ्लाइट अभी आधे घंटे और डिले हो गई है, तो अभी का टाइम है 10:25, तो लेट्स सी कि क्या हो रहा है। भाई आराम से जल्दी से घर पहुंचना था, जाके सोना था, 3 दिन से 4 दिन से तो कुछ बिल्कुल भी सोना नहीं हुआ है। अभी आप देख सकते हो ये 9:15 की फ्लाइट थी, अभी 11:05 में हम बाहर ही खड़े हैं लाइन में, फिर देख किसी को जगह ही नहीं मिल रही है। थक गया भाई, बहुत थक गया यार, बाय बाय मुंबई, जल्दी मिलते हैं। 12:10 होने को है, अभी भी फ्लाइट नहीं है, अभी तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अर्जेंटली को। गाइस सुबह के बज रहे हैं 3:30, देख सकते हो आप दिल्ली की ठंड। चलो फिर पहुंचते हैं जल्दी से फटाफट घर, क्योंकि अब ठंड भी लग रही है और नींद तो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फाइनली घर पहुंच गया, गेट अनलॉक करके अब उसको लॉक कर रहा हूँ, जा रहा हूँ ऊपर। सुबह के बाद के 4:30 फाइनली घर पहुंच गया, चेंज वेंज कर दिया हूँ और सीधा आ गया हूँ अपने बेड पे, अब सोऊंगा चुपचाप, बहुत हो गया अब। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सजेशन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, वहाँ पे एडिट नहीं हो पाया इसलिए ब्लॉग टाइम पे नहीं आ पाई, सो सॉरी फॉर दैट, बट अब मैं घर पे आ गया हूँ तो यहाँ पे मैं अपने लिए टाइम निकाल सकता हूँ जिसमें मैं ब्लॉग एडिट करूँगा और टाइम टू टाइम वीडियोज अपलोड होंगी। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट विद गुड मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग के 4:30 बज रहे हैं, मेरे लिए अभी गुड नाइट होगा, आप सबके लिए एडवांस में गुड मॉर्निंग, अपना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय।